इसी संदर्भ में हम एक और वैकेंसी लाए हैं, विधानसभा सचिवालय मध्य प्रदेश में निकली है वैकेंसी। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा गार्ड, लिफ्टमैन, वाहन चालक, कार्यभारित भृत्य, बुक लिफ्टर, पंप ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर एवं वायरमैन के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन आपको आज दिखाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। इसी संदर्भ में आज हम आपको विधान सचिवालय में निकली भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सभी वीडियो में बताता हूँ, अगर किसी भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन चाहिए या जो भी वैकेंसी के बारे में बताता हूँ उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको वो नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जैसे कि आपको बताया कि लिफ्टमैन, वाहन चालक, भृत्य, बुक लिफ्टर, पंप ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर एवं वायरमैन के रिक्त पदों पर भर्ती वैकेंसी निकली है। तो चलिए देख लेते हैं किस के लिए कितने पद यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर पहले लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो लास्ट डेट यहाँ पर 3/7/2023 तक है जो कि ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस पद के लिए कितने पोस्ट यहाँ पर खाली है। पहले बात कर लेते हैं सुरक्षा गार्ड के, तो सुरक्षा गार्ड के 3 पद हैं, ओबीसी, एसटी, एससी सभी के लिए है और निःशक्त जनों के लिए केवल 1 पद है, वो भी भ्रत का है। टोटल यहां पर सुरक्षा गार्ड के 6 पद हैं, लिफ्टमैन के 1 पद है, वाहन चालक के 6 पद हैं, भ्रत के 5 पद हैं। टोटल यहां पर आपको देखने को मिलेगा बुक लिफ्टर के यहाँ पर 1 पद है, पंप ऑपरेटर का 1 पद है, टेलीफोन ऑपरेटर अटेंडेंस का 1 पद है और वायरमैन का 1 पद है। यहाँ पर आपको सैलरी भी देखने को मिल रही है कि लगभग सभी में 19,000, 15,000 की ऐसी आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। विस्तृत विज्ञापन प्राप्तकर्ता की शर्तें, ऑफलाइन आवेदन की तिथि, विज्ञापन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्हता है मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिवालय वेबसाइट पर उपलब्ध आपको कराए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि 15/6/2023 से ऑफलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3/7/2023 से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। सभी पद का नाम यहां पर विवरण अब और वेतनमान के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे पद का नाम है वाहन चालक, रिक्त पद की संख्या 6 है, श्रेणी कार्यभारिता है, वेतनमान मिलेगा आपको 19,000 से लेकर 62,000 तक, ठीक है। और यहाँ पर परिधि यहाँ पर आप देखने के चाहें 3 वर्ष के लिए आपको दी जाएगी। यहाँ पर सभी टोटल सभी पद यहाँ पर पद का नाम भ्रत्य है, रिक्त पद 5 है, श्रेणी चतुर्थ श्रेणी है, 15,000 से लेकर 50,000 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, ये भी 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर आप टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आपको सभी पोस्ट के हिसाब से अपने वेतनमान। बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क समस्त पदों के लिए निःशुल्क आवेदन यहाँ पर आपका रहेगा। तो दोस्तों, विधानसभा सचिवालय मध्य प्रदेश में जॉब करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। लिफ्टमैन, वाहन चालक, सुरक्षा गार्ड, भृत्य, बुक लिफ्टर, पंप ऑपरेटर, टेलीफोन अटेंडेंस एवं वायरमैन के लिए रिक्त पदों पर यहां पर भर्ती होना है, तो जल्दी से आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहां पर जैसे कि आपको बताया कि 3/7/2023 यहां पर है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और शुल्क आपको निःशुल्क रहेगा, तो यहां पर जरूर आवेदन करिए। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसी नई अपडेट, नई जॉब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।